अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज्योग्राफी की नई वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज हम जिस खूबसूरत मुकाम के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सोहावा। सोहावा पाकिस्तान के सूबे पंजाब का एक शहर है। ये पंजाब में वाकिया ज़िले जिहलम का एक इंतज़ामी सब डिवीजन तहसील है। अगर इसके मुकाम के हवाले से बात करें तो सोहावा ज़िले जिहलम के शुमाल मगरबी हिस्से में वाकिया है। पंजाब गुजरहान और दीना के दरमियान जीटी रोड पर वाकिया है। अगर इसकी यूनियन काउंसिल्स के बारे में बात की जाए तो सोहावा तहसील को 9 यूनियन काउंसिलों में तकसीम किया गया है, जिसमें अदराना, डुमेली, जाजियाल, कोहाली, लहरी, नगयाल, पायल बनेहान, फुलरे सैदाम, पिंड मतेहान और सोहावा शामिल हैं। इसकी तारीख के हवाले से बात की जाए तो सोहावा नाम की एटिमोलॉजी साबित नहीं हो सकती, लेकिन अभी तक लोक तशबीहात के मुताबिक असल नाम सो आवा था, जिसका मतलब है कुम्हार की सो बाड़ें। असल में खुराका के करीब एक छोटा सा गांव सोहावा कई सालों की इंसानी आबादीकारी के बाद खुराका में जम हो गया। असल गांव मरकजी कस्बे खुराका का हिस्सा है और इसे वार्ड नंबर 1 या पुराना सोहावा कहा जाता है। इसके डेमोग्राफिक्स के बारे में बात की जाए तो सबसे मशहूर गांव कोट धुमाक धमियाल का किला है, जो सुल्तान राजा धमीहान के ज़माने से मौजूद है। ये इस वक्त का एक किला था जब 16वीं सदी में शहाबुद्दीन ने इस इलाके को फतह किया था, और साथ ही वो जगह भी थी जहां शहाबुद्दीन गोरी को खोखरों ने कत्ल किया था। दीवाने हजूरी तकसीम से पहले सोहावा की एक सबसे बड़ी फूड मार्केट थी। दीवाने हजूरी में वली हाजी हाफिज सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला की विलादत के मौके पर एक सालाना मजहबी तकरीब मुनक्कद होती है, जिन्हें आमतौर पर दीवाने हजूरी कहा जाता है। गांव के वस्त में एक दरबार और एक मस्जिद है, जहां हर जुमेरात को लोग हाजिरी और ताजियत के लिए आते हैं। दीवाने हजूरी एजुकेशनल कम्प्लेक्स भी दीवाने हजूरी में देखने की जगह है। सरगर्दन गांव में तहसील सोहावा का एक मशहूर मुकाम है। पाकिस्तान की 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली पहली जुबानें पंजाबी 98%, उर्दू 1.9% और पश्तो 0.1% हैं। ज़्यादातर आबादी उर्दू बोलती है और समझती है। पाकिस्तान की 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक सोहावा तहसील में सबसे ज़्यादा पैरवी करने वाला मज़हब इस्लाम है, जिसके बाद 98% आबादी है। 2% के बाद दीगर गैर मुस्लिम अकलियतें हैं। सेहत की सहूलियात के हवाले से बात करें तो सोहावा और इसके आसपास के देही इलाकों के लोगों के लिए तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल सोहावा हुकूमत पाकिस्तान ने तैयार किया है, जो सिर्फ बुनियादी सेहत की सहूलियात फ्राहम करता है। हस्पताल में इस वक्त 40 बिस्तर हैं, 20 खवातीन के लिए और 20 मर्द मरीजों के लिए। मंदरजा ज़ैल सहूलियात दस्तयाब हैं, जिनमें एमरजेंसी सर्विसेज, 4 बिस्तरों वाली लेबर रूम सर्विसेज, ऑपरेशन थिएटर की सहूलियात, दांतों की सर्जरी, एम्बुलेंस सर्विसेज, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी की सहूलियात, ECG की सहूलियात और रोकथाम और बहाली की खिदमात शामिल हैं। माहिरीन की दर्ज ज़ैल असामियाँ अभी भी हाली हैं, जिनमें मेडिकल स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट, माहिर अमराज चशम। यह हस्पताल MCH और डिलीवरी के लिए मुफ्त सहूलियात फ्राहम करता है। इस वक्त 24 घंटे निगहदाश्त फ्राहम करने के लिए 3 खवातीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। डुमेली में एक देही सेहत मरकज भी है, जिसमें 12 बुनियादी सेहत यूनिट्स शामिल हैं। इजाफी सेहत की खिदमात फ्राहम करने के लिए सरकारी देही डिस्पेंसरियाँ और 4 देही डिस्पेंसरियाँ शामिल हैं। यहाँ के बड़े कबीलों के बारे में बात की जाए तो ज़िला के बड़े कबीले दर्ज ज़ैल हैं, जिनमें गखड़ या क्यानी, सिकंदराल, भोग्याल और दीगर ज़ैली घर सुल्तानों की औलाद, जिन्होंने मुग़ल शहनशाहों के साथ इत्तेहाद में गुजरात की सरहदों से लेकर जनूब तक
और कश्मीर के शुमाल में पोठोहार के इलाके पर हुकूमत की। पंजाब में सिखों के हमले के दौरान इन पर काबू पा लिया गया, जहां सिख बेहतर तौर पर लैस थे और बहुत बड़ी ताकत में थे। फिलहाल ज़्यादातर लोग राजा का लकब इस्तेमाल करते हैं एक गैरतमंद साहो तर्ज ज़िंदगी को जाहिर करने के लिए, और एक रुझान था जो मुमकिन तौर पर बरतानवी हुक्मरानी के तहत इस्तेमाल होने वाला आम तरीका था। इस कबीले के ज़्यादातर मर्दों के लिए मालिक असल लकब के करीब होगा, जबकि सुल्तान कबायली सरबराह के लिए मखसूस होगा। राजपूतों के हवाले से बात की जाए तो इनमें अकरा, बंग्याल, भट्टी, चौहान, धमयाल, जंजुआ, मिनहास और पनवार राजपूत शामिल हैं। ऐवान भदल, चौधरी, ढिलों, निग्याल, बंग्याल, हरियाल, जंद्रयाल, कमवाल, वड़ाइच, खट्टर, मकवाल, मथियाल और सोमरोतारण शामिल हैं। 1881 की ब्रिटिश इंडिया की मर्दमशुमारी में ऊपर दर्ज कई कबाइल राजा और जाट दोनों कबीलों के तौर पर पेश किए गए हैं, इसलिए आबादी दोनों कबीलों में तकसीम है। आमतौर पर एल्स राजपूत कबीलों की शाहें हैं। राजा का खिताब, जिसमें हिता पोठोहार का एक फर्द अपने आप को पहले राजपूत और फिर गखड़ या जंजुआ या अवान के तौर पर नहीं देखता, बल्कि पहले इन कबीलों में से किसी एक कबीले के फर्द के तौर पर और फिर साहो या राजपूत के तौर पर देखता है। इसे एक खास सामाजिक मुकाम का हकदार बनाता है और 18वीं सदी से 20वीं सदी तक साहो की इस्तलाह इन खानदानों के लिए मुतरादिफ बन गई जो इशराफिया के पस मंजर से ताल्लुक रखते थे, और इसका मतलब था बाजियों, घोड़ों और नौकरों का नरम तर्ज जिंदगी। ऐसा लगता है कि मुकामी लोगों ने साहू और गैर साहू खानदान के दरमियान फर्क करने के लिए दो वसी जुमरों का इस्तेमाल किया, जैसा कि सरदार कबाइल, गखड़, जंजू, ऐवान वगैरह। अगरचे ज़रूरी नहीं कि तमाम राजपूत साहू, ताहम आम तौर पर अपने आप को राजपूत कहेगा, जबकि ज़मींदार को जाट कहा जाता है। यहाँ पे अगर कमाई के ज़रिए की बात की जाए तो लोगों का सबसे बड़ा पेशा मुसल्ला अफवाज में हिदमत है, इसलिए वो आम तौर पर नज़्म व ज़ब्त और कानून के पाबंद होते हैं। सुहावा के लोगों की बड़ी तादाद बैरूनी ममालिक बिलखसूस मगरबी यूरोप और मशरक़ वस्ता में आबाद है। लोगों के ज़रिए माश का बुनियादी ज़रिया ज़रात है। यहाँ के देहातों के हवाले से बात करें, तहसील सुहावा के देहात कोट धमाक, चक तरीदा, डुमेली, लहरी, दीवान हजूरी, ढोक आम और ससुराल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।